पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय ने एक एडवाइस जारी करके बताया था कि जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारी पर्सनल जानकारी, निजी डेटा लीक हो सकती है। हालांकि लॉकडाउन के दिनों में बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताया गया है जिनका आप प्रयोग करके अपने जूम अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लीक होने से रोक सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सेटिंग्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें कैरियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और यह फ्री है। सबसे पहले आप जूम ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम जूम ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप इसे फोन पर या फिर अपने पीसी पर या फिर लैपटॉप पर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आप साइन इन कर लीजिए। तो यहां पर मैं साइन इन पहले से ही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको माई अकाउंट का, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पेज में आपको ध्यान से देखना रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये पर्सनल मीटिंग आईडी। तो इसके जस्ट सामने आपको ये एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा एडिट का, उस पर आप सिंपल सा क्लिक करें। तो चलिए हम एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये एडिट वाला पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर ये एडिट वाला पेज ओपन हो गया है। उसके बाद में आपको सिंपल सा करना क्या है, जब भी आप कोई नया मीटिंग चालू करें तो ये आप आईडी बार बार चेंज करके भी अपने प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या है ये आप ध्यान रखिए, आपको ये यूज़ पर्सनल मीटिंग इस पर क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी सेव हमारा हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा ये ध्यान से देखिए। उसके बाद में आप सेटिंग पर आ जाइए। सिंपल सा ये है सेटिंग का ऑप्शन, नीचे आपको दिख रहा है। तो इस पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाइए, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी ये सेटिंग वाला पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग है जो कि आपको करनी रहेंगी। बहुत सारी सेटिंग है, बहुत ही ध्यान से आपको देख कर करना रहेगा। तो ये सेटिंग वाला पेज अभी ओपन हो रहा है। तो ये देखिए अभी मेरा सेटिंग वाला पेज एक ओपन हो चुका है। ये लंबा सा एक बहुत बड़ा सा पेज है सेटिंग वाला, तो इसको आप ध्यान से देख के कर लीजिए सेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सेटिंग वाले पेज में कौन कौन से सेटिंग हैं जो कि आपको करने रहेंगे। तो सबसे पहले आप चले जाइए यहाँ पर कंप्यूटर ऑडियो वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर से ऑडियो देते हैं तो आप सिंपल सा इस पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन को छोड़कर यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद में सेव कर लीजिए। उसके बाद में आप नीचे चले जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ये आपको हम दिखा देते हैं हाईलाइट करके, ये यहाँ पे है यूज़ पर्सनल, इसके नीचे सॉरी ये, तो यहाँ पे है ये सेटिंग। इस पर आपको आकर क्या करना है, आपको सिंपल सा इस पर इसको अनटिक कर देना है, ठीक है। सो इसको अनटिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको और भी नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड अ पासवर्ड व्हेन शेड्यूल न्यू मीटिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देख लीजिए आप यहाँ पर है, तो इसको आपको ऑन रहने देना है। बाकी जो ऑप्शन है ये देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहना चाहिए। यहाँ पर मेरा ऑन है इसलिए मैं इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। उसके बाद में और नीचे आपको आ जाना है ऑल मीटिंग वाले ऑप्शन पर। ये चीज़ यहाँ पर रहना चाहिए ऑल मीटिंग्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर आपका किसी अन्य ऑप्शन पर है, फर्स्ट वाले पे है, तो आप इस पर ले आकर सिंपल सा कर लीजिएगा। उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये नीचे वाला ऑप्शन, ये जो ऑन है इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका इनबिल्ट अ पासवर्ड मीटिंग लिंक क्लिक ज्वाइन, ये वाला आपका ऑप्शन जो है इसको आप सिंपल सा यहाँ से जाकर आप ऑफ कर दीजिए। तो चलिए हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं। और उसके नीचे आपको आ जाना है ये इस वाले ऑप्शन पर, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं,
ये वाला ऑप्शन। सो इस वाले ऑप्शन पर आपको इसको ऑन करके रखना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको और नीचे आ जाना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये इस वाले ऑप्शन को आप देख लीजिए, रिक्वायर्ड, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जूम रिक्वायर्ड इक्रोनिशन फॉर ऑल डाटा बिटवीन द जूम क्लाउड, ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके आप इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं, ये वाला ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, ये चैट वाला ऑप्शन। तो इस चैट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर अनटिक दिखाई दे रहा है, सो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं, तो ये उसके बाद में सेव कर दीजिए। सो इसके बाद में आपको और नीचे आ जाना है, फाइल ट्रांसफ़र। तो फाइल ट्रांसफ़र अगर आप ज्वाइन मीटिंग करते समय आप करते हैं, ये आप देख लीजिए, ये है फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन। सो अगर आप मीटिंग में आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखिएगा, अगर नहीं करते तो आप सिंपल सा यहाँ पर इस पर क्लिक करके ऑफ कर दीजिएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सो अभी हम इसको ऑन कर ऑफ कर दे रहे हैं, तो ये अभी हमारा ऑफ हो गया है। उसके बाद में और नीचे आ जाना है थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा, ये वाला ऑप्शन। सो इस पर आपको होस्ट ओनली पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हु कैन शेयर, जो ये जो आपका ये मीटिंग रहेगा वो कौन शेयर कर सकता है, तो ये मीटिंग केवल आप ही शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी आपके पास रहेगी। तो आप सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं, उसके बाद में सेव सिंपल सा आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा, वाइट बोर्ड का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला। सो ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, ये वाइट बोर्ड वाला है। यहाँ पर अगर आप वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं तब आप इसको आप ऑन करिएगा, नहीं तो आप ऑफ करके रख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल सा ऐसे ही रहने देता हूँ, या फिर सिंपल सा चलिए हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं, हमको इसका कोई भी यूज़ नहीं है। उसके बाद में और नीचे आ जाना है, ठीक है। ये वाइट बोर्ड के ऑप्शन यहाँ था, उसके बाद में और नीचे आ जाना है। ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपल सा दिख जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में इन दोनों ऑप्शन को सिंपल सा यहाँ पर ऑफ करके रखना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन तो पहले से ही ऑफ है, ये वाला, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। ये यहाँ पर ऑन है तो इसको भी आपको ऑफ करके रखना है। तो सिंपल सा ये सब सेटिंग था जो कि आप कर सकते हैं। ये गृह मंत्रालय द्वारा न्यूज़ में इसके बारे में बताया गया था, जो कि हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। ये सब आप सेटिंग करके अपने प्राइवेसी को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।